दोस्तों नमस्कार, ये वीडियो आप देख रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है दोस्तों। हाँ दोस्तों, कल से ये यूनिवर्सिटी जो है फिर से एक बार चर्चा में बनी हुई है। इसमें आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि नकाबपोश आदमी जो है, आदमी कहना इसको गलत होगा, इसे हम गुंडा कहें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये जो गुंडे हैं ये छात्रों पर हमला किए। वहाँ के जो JNU SU के जो प्रेसिडेंट हैं, छात्रा हैं, उनके ऊपर हमला किया जाता है और यही नकाबपोश जो है पूरे JNU में जो है तोड़फोड़ करते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसके बाद छात्र जो वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर भी हमला करते हैं। तो ये देख सकते हैं इसके पास जो है हथियार है, रॉड है, डंडे हैं, ये देख लीजिए आप। छात्रों जो वीडियो बना रहे थे उसका, उस पर हमला किए और पत्थर से उन्हें मारा। इनके पास ना सिर्फ पत्थर है, हाथ में रॉड है, लोहे का रॉड है, डंडे हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ है इनके पास। ये देर रात तक चलता रहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। उसके बाद भी अंदर जो है ना पुलिस घुसी, यही पुलिस जो है दिल्ली पुलिस जो जामिया में छात्रों का पीछा करते हुए, कुछ उपद्रवी लोगों का पीछा करते हुए छात्र के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और वहाँ पर जाके छात्रों को पीटते हैं, जबकि वो छात्र वहाँ पर उस प्रदर्शन में थे भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है यही दिल्ली पुलिस अंदर जाने से इनकार कर रहे हैं, उनका यही कहना है। ये आप सुन रहे हैं IC घोष हैं, ये JNU SU प्रेसिडेंट हैं और इन्हीं के ऊपर हमला किया। ये देख सकते हैं इनका सर फूट चुका है, ये बात करने की हालत में भी नहीं है। ये देख रहे हैं कितना खून बह रहा है इनका। और आप इन छात्रों को सुनिए जो वीडियो बना रहे थे, आपने देखा है कि कैमरे में जो इनके ऊपर भी हमला हुआ था, और इनको सुनिए। 6:50 कुछ हो रहे थे और बहुत तेज की आवाज सुनाई देने लगी। हॉस्टल से आ रही थी तो मैं रूम से बाहर निकली, थोड़ा सा आगे बढ़ी थी दरवाजे की तरफ कि अंदर से लड़कियां बाहर की तरफ से भाग के अंदर आ रही थी और आवाज से पता चल रहा था कि बहुत सारे लोगों, मतलब एक दो लोगों का नहीं तो बहुत सारे लोगों की आवाज थी, कुछ तोड़फोड़ हो रही है। तो जब हम, तो मैंने उसी समय बोला कि सब लड़कियां अपना अंदर दरवाजा बंद कर लें। 15 मिनट बाद जब लगा कि थोड़ा कम आवाज आ रही है तो हम बाहर की तरफ आए। ये गेट है हमारे साबरमती का, हम यहाँ आए थे, बगल में जो गेट है हम यहीं आए थे। और आने के बाद मैं देखी कि उधर से बहुत सारे लोग मास्क पहने हुए, शॉवल लिए थे हाथ में, पत्थर पता नहीं क्या क्या लिए हुए थे, आ रहे थे। और मेरे पास उसका वीडियो है और मैं जब यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी, उसमें से एक ने इतना बड़ा पत्थर मेरे बाजू पर फेंका और इसी तरह गाली देते हुए एक ने एक लड़की के, लड़की को मारा भी डंडे से और इसी तरह निकल गया। अभी तो हमने यहाँ झाड़ू लगा दिया है, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा फोड़ा था, जिसका वीडियो है मेरे पास, प्रॉपर वीडियो मैं आपको दे दूंगी। कितने लोग थे? 25-30 के आसपास लोग थे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, काम इसी के रेंज में थे। और कितने लोगों को यहाँ पे साबरमती में पिटाई की? कितने, करीब 8-10 लोग तो एम्स में गए हैं। एक लड़की साबरमती से, हाँ साबरमती से, एक लड़की पैनिक अटैक की वजह से लास्ट में गई है। उसको बहुत इतने डरे हुए, 13 और 15 मिनट जब हम रूम के अंदर थे, इतना डर था कि कब क्या हो जाएगा, एकदम टेरर था अंदर में, इतना हॉरिफाइंग सिचुएशन था। और कितना ये जो टेरर का, दहशत का माहौल कितने टाइम के लिए था? जब 7:07 के आसपास हम बाहर आए, वो 10 मिनट वो भी चला, फिर हम यही रह गए कि यही रहना चाहिए हमें। फिर थोड़े देर बाद उधर से हमें ढाबे से लगा कि कोई आ रहा है, बहुत सारे लोग डंडे लगे, फिर हम अंदर चले गए। ठीक है, इसी तरह ये फिर मुझे लगता है 7:30 तक इसी तरह प्रोसेस चलता रहा, तब जाके थोड़ी बहुत नॉर्मलसी आई। अभी भी सब डरे हुए हैं, कितने सारे लोग रो रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुन लिया इन छात्रों का, जो JNU के छात्र हैं बता रहे थे किस तरह से ये घटना हुआ अचानक से, और उसके बाद जो है छात्र रात में जो है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करते हैं। और उसके बाद जो है JNU में जब ये हमला हुआ है, कुछ देर बाद जब प्रशांत भूषण वहाँ पे जाते हैं तो उनके साथ भी हाथापाई किया जाता है। जो ये आरोप लग रहे हैं ये ABVP के गुंडे हैं, ये ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि BJP RSS की छात्र इकाई है। तो आप प्रशांत भूषण को सुनिए। स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है और स्ट्रीट को बंद कर दिया गया, वहाँ उसको 1 किलोमीटर दूर से स्ट्रीट को बंद कर दिया। तो एम्बुलेंस को बता रही है, हमारी साथी बता रही है अंजलि जी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, आप बता रही है एम्बुलेंस को तोड़ा गया है। आप पूछिए इनसे कि क्या हो रहा है। और स्मैश किए गए हैं उसके ग्लासेस और अंदर जाने से रोका गया है, वापस भेजा गया है एम्बुलेंस को यहाँ से मेन गेट से।
अंदर स्टूडेंट जख्मी है और एम्बुलेंस को अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। अंजलि भारद्वाज जी हैं नेशनल कैंपेन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरफ से। सर क्या आप लोगों के जेएनयू के वाइस चांसलर से कोई बात हुई इस पर हमने लेकर? बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर से बात नहीं कर रहे। अरे अगर आपके घर पे आपके बच्चों पे हमला हो तो आप क्या करोगे? पड़ोसी को बुलाओगे, आप पुलिस को बुलाओगे, चौकीदार को बुलाओगे? यहाँ पिछले 2.5 घंटे से इस कैंपस पे हमला हो रहा है, सारा देश इसकी वीडियो फुटेज देख रहा है और पुलिस कैंपस के बाहर खड़े होके कोई कैमरा ना चला जाए, कोई अंदर जाके सच ना पता कर ले, उसको रोक रही है। और जब मैंने दरवाजे के उस पार खड़े हुए टीचर्स से बात करने की कोशिश की कि भाई क्या हो रहा है कैंपस में, और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि देखिए यहाँ ये चीजें हो रही हैं, वो मुझे कुछ दिखा रहे थे। तो ऐसे में यहाँ के पुलिस के इंस्पेक्टर ने मुझे घसीटना शुरू किया, कहा आप यहाँ पे भड़का रहे हो लोगों को। मैं तो टीचर से बात कर रहा हूँ, आप भड़का रहे हो। मुझे खींचा और पुलिस की प्रेजेंस में यहाँ जो क्राउड है उसने आप सब लोगों के सामने मुझ पे हमला किया, मुझे गिराया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और उसके बाद फिर मुझे पुश करते हुए यहाँ दूर तक ले आए हैं। आप जाओ। और वो गुंडे अभी भी बाहर हैं, एक गुंडे हैं जो कि अंदर जाके लोगों की टांग तोड़ रहे हैं और दूसरे गुंडे हैं जो बाहर खड़े होकर कैमरा को रोक रहे हैं और लोगों की आवाज को बंद कर रहे हैं। ये सच्चाई है। कौन जिन्हें आप कह रहे हैं जिन्होंने आप पर हमला करने की कोशिश करी? वो पीछे हैं, आप अपना कैमरा घुमाइए और जाके देख लीजिए कौन लोग हैं। आपके सामने हुआ है, मुझे तो कहने की कोई जरूरत नहीं। इनमें से कोई मेरा पहचाना हुआ चेहरा नहीं है, इनमें से कोई मेरा मित्र नहीं है। ऐसा कहते हैं कि एबीवीपी के हैं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसमें से कोई चेहरा मेरा पहचाना हुआ नहीं है, लेकिन आपको इतना इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। कैमरा पलटिए, उन सबकी फोटो ले लीजिए। वो पुलिस जो कि जामिया में सबकी फोटो ले सकती है, वो पुलिस जो कि थोड़ा सा कुछ टूटने पे पता नहीं क्या कुछ कर सकती है, वो पुलिस अंदर जाके बच्चों को बचा क्यों नहीं सकती? इफ देयर वॉज ए वाइस चांसलर विद एनी कॉन्शियंस ही वुड हैव स्टेप डाउन अ ईयर अगो। दिस इज द लोएस्ट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस कैंपस। मैं जेएनयू का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया है इस कैंपस में हासिल किया है। मैं इसलिए आया था यहाँ देखने के लिए क्या हो रहा है। और इस वक्त जो हो रहा है इस कैंपस के इतिहास का सबसे बुरा दिन आज है। और अगर ऐसे में वाइस चांसलर स्टेप डाउन न करें, मगर वाइस चांसलर तो छोटा मोहरा है, खेल तो ऊपर से खेला जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। सर इसको लेकर कल कुछ आप लोग करेंगे क्योंकि काफी छात्रों को चोट आई है। इस वक्त हमारी पहली चिंता है कि जिनको चोट आई है उनको अस्पताल ले जाया जाए, एम्बुलेंस को आने दिया जाए, जो बच्चे चोट खा के भी अपने कमरे में चुपचाप से डर के बैठे हुए हैं उनको बाहर आने दिया जाए, जो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर जाके छुप गए हैं उनको बाहर लाया जाए, कैंपस में शांति आए। और वो जो 50-60-70 गुंडे जो पिछले 2.5 घंटे से इस कैंपस में घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए, ये पहला काम होना चाहिए। बाकी सब राजनीति, प्रोटेस्ट, बयान सब बाद में हो जाएंगे, लेकिन ये तो सबसे पहला काम है। सर स्टूडेंट मूवमेंट कहाँ जाएगी आपको लगता है? स्टूडेंट मूवमेंट जो आप विजिट सीन 44-50 कैंपसेस इन इंडिया प्रोटेस्टिंग इन रिसेंट टाइम्स, वेयर डू यू थिंक स्टूडेंट मूवमेंट गोइंग? मुझे लगता है द यूथ आर लाइक ए स्प्रिंग, द मोर यू प्रेस देम द मोर दे स्प्रिंग बैक। अभी आप प्रशांत भूषण को सुन रहे हैं जो कि पूर्व एक छात्र हैं, जेएनयू के ही छात्र रहे हैं और सुन रहे थे, जिनके बाद जब ये वहाँ पे समर्थन में गए तो उनको हमला किया जाता उन पर भी। और ये वही छात्र हैं, यानी छात्र कहें कि गुंडे कहें, क्योंकि ये एबीवीपी से जुड़े हुए छात्र हैं और ये डीयू से गए थे। बहुत सारे छात्र जो हैं गुंडे हैं जो डीयू के अपने जो जिसपे पहले भी डीयू में गुंडागर्दी करने का आरोप लगता रहा है, उन छात्रों को ले गए थे ये जेएनयू में। और वहाँ पे ये छात्र मिलके जो हैं छात्रों पे, वहाँ के छात्रों पे हमला करते हैं। और उसके बाद जो है ये दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पे जो है प्रदर्शन चल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें तमाम विश्वविद्यालयों के छात्र जो हैं, डीयू, जामिया और भी अलग अलग जेएनयू से जो बाहर में रह रहे हैं उस वक्त जो रह रहे थे छात्र, वो सब मिलके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही है अभी तक अपडेट। हाल फिलहाल में अभी जो ताज़ा अपडेट है उसका यही कि FIR इसको लेके जो दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। उससे पहले भी कि दिल्ली पुलिस पे बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पुलिस जो है अंदर हमला हो रहा था लेकिन पुलिस जो है गेट पे इंतज़ार कर रही थी कि उसको आदेश मिलेगा तब जाके हम इस पर कार्रवाई करेंगे अंदर आने का।
अंदर में किसी को मारा जा रहा है, लेकिन आप कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं कि ऑर्डर मिलेगा हम तभी जाएंगे। लेकिन जामिया में यही देखने को मिलता है कि यही दिल्ली पुलिस बिना इजाजत का जो छात्र वहाँ पे नहीं थे वहाँ पे चले जाते हैं और उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, लाइब्रेरी में घुस के तोड़फोड़ करते हैं। तो आप ये छात्रों को सुनिए, बाकी ये वीडियो देखिए। ये हाल फिलहाल में अभी तक जो ताज़ा अपडेट है कि FIR जो है अभी अभी दर्ज हुआ है ये वीडियो अपलोड करते हुए, तो बाकी देखिए। और इसको लेके जो छात्र हैं अब प्रदर्शन कर रहे हैं देश के अलग अलग कोने में, इसको लेके जो है प्रदर्शन चालू है, विरोध प्रदर्शन। और जो जिन छात्रों ने हमला किया था वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि BJP और RSS की छात्र इकाई है, इन्होंने हमला किया था। अगर आप भी देखना चाहते हैं इसके बारे में सबूत कुछ चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी पोस्ट जो है वायरल हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। जो हमला करवाया गया था, जिस तरह से सुनियोजित हमला को रचा गया था उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। बाकी ये देखिए आप ट्विटर से लेके फेसबुक तक कहीं भी देख सकते हैं छात्रों का स्क्रीनशॉट जो है ABUP का, जिसने हमला करवाया था उसको लेके वायरल हो रहा है। इसको लेके कोई मंत्री का बयान नहीं आया है, वो कह रहे हैं कि इस पर हम संज्ञान ले रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई पक्का छात्रों को दिलासा नहीं दिलाया जा रहा है, भरोसा नहीं दिलाया जा रहा है। तो ये हाल है अभी JNU का। बाकी इसको लेके जो है JNU के छात्र जो हैं वो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं MHRD यानी कि शिक्षा मंत्रालय के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे। इसको लेके कि कैंपस में आके जो है बाहर के गुंडे जो हैं उसे बुलाया जाता है और हमला करवाया जाता है। और इसको लेके दिल्ली पुलिस का रवैया और प्रशासन का रवैया जो है वो देखने वाली बात है, निंदनीय है, क्योंकि ये छात्र जो हैं पिछले 70 दिन से लगभग फीस वृद्धि को लेके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे और उस बीच में ये हमला उन्हीं छात्रों को चुन चुन के मारा जा रहा है जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होते रहे हैं। और ये जो छात्र हैं ये लेफ्ट से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं जिन पर हमला हुआ है, और जो जिन्हें हमला किया है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थे जिन्होंने हमला किया है। तो ये भी आरोप लग रहा है प्रशासन पे कि वो आंदोलन को दबाने के लिए, आंदोलन को हटाने के लिए छात्रों पे हमला करवाया है, ये छात्रों का कहना है। अब सच्चाई क्या है ये आपको धीरे धीरे मालूम चल जाएगा, मीडिया आपको कितना दिखाती है ये भी आपको ध्यान है। आप उन न्यूज़ चैनल को देख सकते हैं जो उल्टा यही कह रहे हैं कि जिन छात्रों पे अभी तक आरोप लगा है कि इन्होंने हमला करवाया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो वो उल्टा उन्हीं को डिफेंड कर रहा है कि उन पर हमला हुआ है। बाकी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जाके किन पे कितना ज़्यादा हमला हुआ है और कौन नाटक कर रहा है। बाकी आप छात्रों को सुने और देखें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी ये न्यूज़ पता चल पाए। बाकी ताज़ा अपडेट के लिए हमसे बने रहिए, बाकी वीडियो देखिए आप। शुक्रिया, धन्यवाद।